ओम शांति। आज की तारीख है 3/5/17। मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है। ध्यान से सुने और नोट करें कि बाबा कितनी बातें आज बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। नंबर 2, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। नंबर 3, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। नंबर 4, बाबा हमें भक्ति का फल सदगति देने आए हैं। नंबर 5, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। नंबर 6, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं जो इस स्मृति व इस निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी होती है। तो ये 6 बातें सभी ने नोट कर ली। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। धारणा के लिए मीठे मीठे बाप दादा के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1 है, माया के वार से बचने के लिए जिन्न बनकर अलफ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। नंबर 2 है, मुख से सिर्फ शिव 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 कहना नहीं है, बाप से सच्चा लव रखना है। खाली मुख से महिमा करने से कुछ नहीं होता, नाम जपने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल में शिव बाबा से सच्चा सच्चा प्यार करना है। और प्यार की निशानी वो जो कहे वो जीवन में धारण करना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है, क्योंकि हमारा बाबा भी कांटों को फूल बना रहे हैं। हमें भी कांटों से बाबा ने निकाल के फूल बनाया, तो हमें भी वही काम करना है। वरदान है, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। एक हमको सेवा का प्रत्यक्ष फल तुरंत मिलता है, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल। और दूसरा बाबा कहते हैं, मन बुद्धि से सदा स्वस्थ रहने के लिए कैसे हमें सदा बाबा की याद में रहना पड़े वो भी हमें सीखना है। अब मीठे मीठे बाबा कहते हैं, यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। बाबा कहते हैं, अगर आप सचमुच योग युक्त होकर प्रेम से सेवा करते हैं तो आपको सेवा का फल क्या मिलता है? खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति, अथवा बाप के कोई ना कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य होती है। बाबा कहते हैं अवश्य प्राप्त होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वो मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी
एवर वेल्दी और एवर हैप्पी रहो। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी है। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।